मैं खुद चाहता हूं कि चंद लम्हों के लिए आपके समक्ष खराशी कर दूं। हर शायर को कुछ ना कुछ शेर पढ़ करके मैंने बुलाया है। मैं अपने लिए नाज़िश प्रतापगढ़ी का एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि कांधे पे चढ़े लोगों की इस भीड़ में नाज़िश, कांधे पे चढ़े लोगों की इस भीड़ में नाज़िश, मैं खुश हूं कि खुद अपने ही पैरों पे खड़ा हूं। अंजुम साहब, एक मतला और एक शेर और फिर एक नज़्म आप सबके लिए कि फना तो होगी जहां से रस्म सितम भी जोरो जफा भी आखिर, फना तो होगी जहां से रस्म सितम भी जोरो जफा भी आखिर, और चलेगी इंसाफ की खिलाफत की नर्म दिलकश हवा भी आखिर, चलेगी इंसाफ की खिलाफत की नर्म दिलकश हवा भी आखिर, और गुरूर टूटेगा असर नौ के फिरौन का भी जरूर एक दिन, गुरूर टूटेगा असर नौ के फिरौन का भी जरूर एक दिन, ज़ाय अमनो सुकून के जलवों से होगी रोशन फिजा भी आखिर, ज़ाय अमनो सुकून के जलवों से होगी रोशन फिजा भी आखिर। और नवाज़िश अभी इब्तिदा में किसी शायर ने बर्मा का नाम लिया था। बहरहाल एक आजाद नज्म है, इस मुशायरे में आजाद नज्म नहीं पढ़ी गई। अंजुम साहब जरा देखिए, बर्मा का तस्करा आया था तो एक आजाद नज्म कही मैंने, हाजिर कर रहा हूं कि खून उस्मा को भी हमने देखा है जमल व सिफीन के मार्के से गुजरे हैं, खून उस्मा को भी हमने देखा है जमल व सिफीन के मार्के से गुजरे हैं, हमने देखा है जुबैर का लाशा भी और करबला की तपती जमी पर खूने हुसैन की देखी है अरजानी। तारिक हाशिम साहब, हमने देखे हैं सुकूत बगदाद के मनाजिर, मेरे लहू की गवाह बनी है गरनाता की जमी, अब मेरे लहू से लालाजार हो चुका है हरम पाक भी, उस्मानियों की टूटती तलवारों को देखा है, मेरे लहू से लालाजार हो चुका है हरम पाक भी, उस्मानियों की टूटती तलवारों को देखा है, सजाए हमने झेली है काले पानी की, बना में तकसीम बहा है हिंद में लहू मेरा, और मस्जिद की शहादत का भी गम उठाया है, मुझको देकर आलाम बातिल हर बार यही समझा यही जाना कि अब मिट जाएगी ये कौम दुनिया से, मगर हर शर से खैर के पहलू हुए हैं नुमाया, मगर हर शर से खैर के पहलू हुए हैं नुमाया, बन के अफगां कभी कतरे हैं पर सुपर पावरों के, कभी बोस्निया में लहराया है परचम इस्लाम, आज यूरोप की वादियों में गूंजती है अजा मेरी, हमारी तहजीब के शैदाई बनते जाते हैं जर्मनों फ्रेंचों अमेरिका के लोग, फिर ऐसे वक्त में बर्मा के अहले ईमा पर कोई गम टूटा है तो क्या गम है, हर शबे तार गुजर ही जाती है सुबह का सूरज निकल ही आता है, इसी बर्मा की तारीख दास्तानों से खिलाफत का सूरज तुलू होने को बेकरार है, इसी बर्मा की तारीख दास्तानों से खिलाफत का सूरज तुलू होने को बेकरार है, इसी शर से होगा नुमाया खैर का पहलू फिर, अब बर्मा की तबाही बनेगी सबब शिराज़ा बंदिए मिल्लत की, अहले बातिल का तिलस्म टूट जाएगा वो दिन दूर नहीं कोई सलाहुद्दीन उठेगा, मिल्लत फिर अपनी अजमत रफ्ता को पाएगी, यकीनन खिलाफत की घड़ी आएगी, यकीनन खिलाफत की घड़ी आएगी।